जनता का एक और परिणाम घोषित हो चुका है। पन्ना सीट से मध्य प्रदेश सरकार के खनिज मंत्री बिजेंद्र प्रताप सिंह को जनता ने पास कर दिया है। पन्ना की जनता ने रिजल्ट घोषित कर दिया है, बिजेंद्र प्रताप सिंह पास हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस के भरत मिलन पांडे फेल हो गए। जी अनुराग जी, पन्ना हीरो की नगरी मानी जाती है और बृजेंद्र प्रताप सिंह भी राजनीति में पन्ना के हीरे हैं। हालांकि उनका वहां के राज परिवार से कुछ कुछ विवाद चलता रहता है, खबरें आती रहती है, लेकिन बड़े शालीन व्यक्ति हैं जो अपने बृजेंद्र प्रताप सिंह हैं। और पिछली बार जब उनको मंत्री बनाया था तो उसके पीछे वजह यह थी कि बुंदेलखंड में बीजेपी अपनी ताकत कम करना नहीं चाहती थी, वहां बीजेपी की ताकत बनी रहे, इसलिए बृजेंद्र प्रताप सिंह एक युवा नेता है भाजपा के, उनको आगे लाके रखा गया, चुनाव लड़ाया गया, दूसरी बार विजय हुए हैं और मुझे लगता है कि फिर ये मंत्री बनेंगे। और जो भी मुख्यमंत्री होगा, शिवराज सरकार होगी या कैलाश विजयवर्गीय की सरकार होगी या नरेंद्र सिंह तोमर किसी की भी सरकार होगी, उसमें ये स्थान पाएंगे। इनका काम भी ठीक ठाक रहा है। जी बिल्कुल, बहुत तेजी से अब जो परिणाम है, जो रिजल्ट कार्ड है, जो रिपोर्ट कार्ड है, वो सामने आता जा रहा है और बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिली है। फिलहाल हम पन्ना सीट पर बता दें आपको, बृजेंद्र प्रताप सिंह जो है जनता के रिपोर्ट कार्ड पे खड़े उतरे हैं और पास हो चुके हैं। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, रिपोर्ट कार्ड पर हमारी चर्चा यूं ही जारी रहेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।